वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आपको ब्लाउज का नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, पुराने ब्लाउज की नाप निकाल के नए वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हुक को बंद कर लिया, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लेना है, ब्लाउज की लंबाई लेना है। तो यहाँ पे हम ब्लाउज की लंबाई फ्रंट साइड से कभी नहीं लेंगे, बैक साइड से ब्लाउज की लंबाई लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड से हमारा ब्लाउज जो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो कभी भी ब्लाउज की लंबाई निकालने के लिए बैक साइड आप नाप लीजिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 14.5 इंच की ब्लाउज की लंबाई है। अस्तर वाले ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे, तो आप अस्तर पे देखिएगा कितने इंच की ब्लाउज हमने कटिंग किया हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम चेस्ट का नाप निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा जो चेस्ट आ रहा है वो है 40 इंच का। पेटी है हमारा 36.5 इंच का, मतलब 37 इंच का पेटी है। बाजू है हमारा 11 इंच का। 11 इंच पे बाजू की मोटाई नाप लेंगे। आपको जितने इंच की ब्लाउज की कटिंग करने हैं वैसे आप कर सकते हैं। इसी मेजरमेंट के हिसाब से सारे ब्लाउज की कटिंग होगी, और जितने भी साइज का आपका ब्लाउज है उस वैसे साइज का आपकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 इंच की बाजू की मोटाई है, ये वाली 12 इंच की मोटाई है। सेकेंड आपको उसके बाद क्या करना है, पीछे का गला का नाप लेना है। तो पीछे के गला का नाप निकालने के लिए आपको नीचे टेप को यहाँ शोल्डर की सिलाई पर रखना है और नीचे की तरफ खींचते हुए देख लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11 इंच की बैक साइड का गले का नाप है। फ्रंट वाले का नाप निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो कंधे की सिलाई है वहाँ से नीचे तक रखना है, नीचे की तरफ खींचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 इंच की फ्रंट वाला गले का नाप है। ये हमारा हो गया टोटल ब्लाउज का नाप। आइए अब हम कटिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर को ले लिया है। अस्तर लेके सबसे पहले आपको क्या करना है, 14.5 इंच की ब्लाउज की नाप थी, तो यहाँ पे जो मेरी अस्तर है वो बड़ी है। यहाँ पे आराम से 15 इंच की ब्लाउज का जो नाप है वो निकल जाएगा। एक साइड दोनों एक साथ ही दोनों पार्ट की कटिंग करना बताएंगे, जिससे हमारे समय की भी बचत हो। यहाँ का हम देख लेंगे, अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं ब्लाउज का नाप लेके, तो कभी भी आपको ब्लाउज का नाप से 1/2 इंच एक्स्ट्रा आपको अस्तर वाले का नाप में रखना है मार्जिंग में, और 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा, ठीक है। टोटल 1 इंच आपको बैक साइड का लेना है, और एक जितना आपने 14 लिया है तो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको ये वाला पार्ट रखना है। तो सबसे पहले हमारा ब्लाउज का जो लंबाई था वो था 14.5 इंच का, तो हम बैक साइड का रखेंगे 15.5। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 15.5 इंच टोटल हमारा नाप आ रहा है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ऐसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें ये रखना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, 40 साइज की कभी भी ब्लाउज की कटिंग करें तो गले की जो नाप है वो रखें 2 इंच की, शोल्डर रखें 3.5 इंच की। उसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल लेना है। आर्म होल का जो नाप होता है 40 चेस्ट में वो होता है 5.5 इंच का, 5.5 या 6.25 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5.5 ही रखेंगे, 6.25 भी आप रख सकते हैं। इसके बाद हम चेस्ट जितना था उसकी 1/4 लेंगे। 40 साइज का चेस्ट था तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। आर्महोल की लाइनिंग को सीधा करेंगे, 1 इंच का तीरा देखें, 1/2 इंच यहाँ से 1/2 इंच यहाँ से छोड़ के इसका हम शेप दे देंगे, ठीक है। टोटल हमने शोल्डर ले रखा है 5.5, आर्म होल है 5.5 का। अब हमारा जो पेटी था वो था 37 इंच का, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 38। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 9.5 का, ठीक है। और ये चेस्ट और पेटी के लाभ को हम मिला देंगे, आप इंचल का यूज कर लीजिएगा, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, ठीक है। अभी इसमें यहीं पर स्किप मत करिएगा, हम आपको आगे बताएंगे कि फ्रंट वाला पार्ट हमारा क्यों टाइट होता है बैक वाले पार्ट से। तो ये इससे पे हम कटिंग कर लेंगे। यहां पे कट का हम निशान लगा लेंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट में हम गले की लंबाई निकाल लेते हैं। तो गले का लेंथ था वो था 11 इंच पे, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। 11 इंच पे आपको लेना है 3 इंच का, 2 और 3 को लाके मिला लेंगे। और 1/2 इंच का तीरा देके इसका शेप दे देंगे।
और इसकी कटिंग कर देंगे। अब आपको क्या करना है, पीछे वाले टक्स का नाप लेना है। अगर आपका भी ब्लाउज पीछे से ऊपर की तरफ चढ़ता है तो आप पीछे वाले टक्स कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं देते होंगे। पीछे वाला टक्स परफेक्ट तरीका देने का क्या है, आप फिटिंग की सिलाई से 3.5 इंच पे निशान लगाएं। टक्स का जो लेंथ है वो रहेगा 4 इंच का, 4 इंच की लाइनिंग सीधी करेंगे, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर करते हुए ये पीछे का टक्स का हम नाप देंगे। ये टोटल हमारा पीछे वाला पार्ट कम्प्लीट हो गया, इसको हम साइड में रखेंगे। अब आएगा फ्रंट वाला पार्ट। फ्रंट वाले पार्ट में आपको क्या करना है, पीछे वाले पार्ट से मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखा था। फ्रंट वाले पार्ट में आपको सबसे पहले 2 इंच की गले की चौड़ाई निकाल लेनी है, गले की लंबाई निकालनी है 7 इंच की। 7 इंच पे हम रखेंगे 2.5 इंच का, 40 चेस्ट पे है, ज़्यादा गहरा लेंगे तो चेस्ट ऊपर की तरफ फेंकने लगेगा। 2 और 2.5 को ला के हम मिला लेंगे, 1/2 इंच ऐसे छोड़ के इसकी गोलाई दे देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल का शेप देना है। तो 1/2 इंच छोड़ते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे और बूस्ट पॉइंट का नाप निकालेंगे। 40 चेस्ट का बूस्ट पॉइंट हमारा होता है 10 इंच, 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये रहेगा 2 इंच का, 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर छोड़ देंगे, ये हमारा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 2.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। 40 चेस्ट है तो 2.5 पे निशान लगाएं, 40 से नीचे है तो आप 2-2 इंच पे लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा बूस्ट पॉइंट, ठीक है। आर्म होल का जो शेप है वो कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, बेल्ट निकालना है। तो यहां से बूस्ट पॉइंट से 3 इंच नीचे आपको बेल्ट निकालना है। इसके बाद ये देख लेंगे कितना इंच है, तो ये है हमारा 4.5, तो यहां रखेंगे हम 3 इंच का और हल्के हाथों से इसकी गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट, बूस्ट पॉइंट बेल्ट। गले की कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड भी आप निशान लगा लीजिएगा। अब इसमें हमें 11 इंच की बाजू निकालनी है, तो अस्तर छोटा होने की वजह से इसमें निकल नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, हमने डबल एक्स्ट्रा डबल अस्तर ले रखा है क्योंकि इसी कलर का 2 ब्लाउज सिलना है। तो इसमें से हम हाफ निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाजू की मोटाई लेंगे। तो बाजू की मोटाई हमारी कम आ रही है, अस्तर को इस टाइप से हम फोल्ड करेंगे। 11 इंच की हमारी बाजू की लंबाई थी जिसमें से मैंने 3 इंच का शोल्डर लिया है, तो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल रखेंगे 8.5 इंच, नीचे का 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 8 इंच रख लेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, बाजू की मोटाई हमारा 6 इंच था, तो यहाँ पे हम 6 इंच ये रख लेंगे। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 8.5 रखा है, तो इससे 3 इंच डाउन हमें यहाँ रखना है। हम यहाँ पे रखेंगे 5.5 रखेंगे। अब इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, तो हमारा चेस्ट 40 है, तो यहाँ पे हमने 9 इंच ले रखा है, 1 इंच डाउन करके लेना होता है, 1 इंच कम हम रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ डाउन करना है इस टाइप से, ठीक है। और ये हमारा नाप लेंगे चेस्ट, 9 पे निशान लगा लिए हैं चेस्ट और
बाजू की मिटाई को मिला देंगे दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे और इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हो गया, अब यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, झोल लाएं। ये हमारा हो गया बाजू, ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। ओके, और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। ऐसा करते हैं कि आपको 40 चेस्ट का ब्लाउज की कटिंग समझ में आया होगा, ब्लाउज का नाप लेके ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।